नमस्कार ओम शांति कवि और उसकी कृति के कार्यक्रम में मित्रों आपका स्वागत है आज हम यशपाल शर्मा जी की किताब चिराग में से एक ऐसी कविता लेने जा रहे हैं जो बहुत ही कम देखने को मिली और उसका सार या विस्तार क्या है मैं ज्यादा ना कहते हुए उनसे ही हम बात करेंगे कविता का नाम है वैद हकीम डॉक्टर पहले के ज़माने में वैद्य होते थे ना दवाइयाँ ना कुछ बुखार मापने की कोई ऐसी वस्तु होती थी जिससे पता लगता था कि बुखार है वैद्य हाथ देखते ही पता कर लेता था कि आज इनको बुखार है या ये तबीयत खराब है या ये बात है या ऐसी प्रॉब्लम है लेकिन आजकल के डॉक्टर बहुत सारे हमारे भारत ने इतना विस्तार आ चुका है कि डॉक्टर हर एक चीज़ चीज एक चीज़ के लिए मशीनों का इस्तेमाल करते हैं इस कविता से हमें क्या इतिहास के बारे में जानने को मिलता है आइए बात करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे यशपाल शर्मा जी का मैं आपका और आप मेरे इस मेहमान का स्वागत करेंगे यशपाल शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इसके लिए धन्यवाद <laughs> मैंने इतनी किताबें पढ़ी हर एक कवि की लेकिन उस किताब में कभी किसी भी ऐसी किताब में मुझे ये कविता देखने को नहीं मिली जिसका नाम है वैद हकीम डॉक्टर जी हां। ये ऐसी कविता है जैसे पहले के जमाने में वैद हुआ करते थे जी हकीम हुआ करते थे हाँ। लेकिन आजकल सीधा इंग्लिश का शब्द आ गया है डॉक्टर मैं आपकी ये पंक्तियां पढ़ूंगी सीधा हाँ। ये तो नहीं बोलूंगी कि इसका मतलब क्या है हाँ। लेकिन पंक्तियों पढ़ने से मुझे ये लगेगा कि हाँ आपने आज कुछ नया हमें संदेश देने की कोशिश की है युगो युगों से ते जानता आया है जहान डॉक्टर वैद हकीमों को कहते दूसरा है भगवान निर्बल पाकर भीषण रोग लेते घेर हैं जब इंसान बन जाता है बिन तेरे जग में दो पल का मेहमान रोगों की मार से होता पल व्यतीत करना दुश्वार ना बांट सके कोई बंधु दुख फीका लगता है संसार ये सच है दोस्तों जब शरीर साथ नहीं देता है किसी से बात करने का मन भी नहीं करता है डॉक्टर वैद हकीमों का हाथ तेरी तरफ जब बढ़ता है लाचारी में रोग शत्रु रहा नापना नापता पड़ता है मानव जीवन के दामन से जग तो सुख है छांटने वाला तू अलौकिक प्राणी है जो दुख पीड़ा है बांटने वाला डॉक्टर <laughs> को या हकीम को या वैद्य को हम दूसरा देवता बोलते हैं जी ईश्वर का दूसरा नाम देते हैं जी। ये तन है इसे अनेक विकार, अनेक रोग समय समय पे इसे लगते हैं और घर का कोई प्राणी उसे ठीक नहीं कर सकता जी कुछ हमारे पुराने जमाने में मैंने अपने समय में देखा कि हमारी माताएं बहने उन्हें कुछ पुराने टोट के जाते बच्चे को पेट में दर्द होता था तो माँ अजवैन चाप करके अपना लाभ बच्चे के मुंह में डालती थी जी, जी, जी। और खुद भी अजवाइन खाती थी कि ये जो बच्चे की पेट की दर्द है इसका इलाज जो है ये जवैन करेगी और जब मैं बच्चे को दूध पिलाऊंगी तो उसका असर जो है वो जवैन के रूप में जो दूध के रूप में बच्चे को मिलेगा और बच्चा ठीक होता था वो बच्चे ठीक भी होते थे जी। माताएं बच्चे बच्चे को जैसे जब छोटा बच्चा होता था तो उसको मालिश करती थी वो दूब में बैठा करके डॉक्टर भी ये मानने लगे हैं आज दुनिया अपनी भागम भाग में ये भूल गई है कि सूर्य की रोशनी ये हमारे लिए कितनी लाभदायक है हमारी चमड़ी के लिए अम्यून सिस्टम और रोग प्रतिरोधक जो शक्ति है जी। वो हमें अगर और चीज़ों से मिलती है तो सूर्य की रोशनी से भी बहुत मिलती है अक्सर देखते हैं कि किसान बहुत कम बीमार होते हैं उसका कारण ये है कि वो सूर्य की तेज से तेज धूप में भी वो काम करते हैं इसलिए वो बहुत कम बीमार होते हैं दूसरा कारण कि सुबह सवेरे उन्होंने अपने खेतों में जाना होता है हल चलाने के लिए घास काटने के लिए फसलें काटने के लिए या नगे पाम जब वो चलते हैं मेद के ऊपर तो जो कहते हैं कि अगर हम ओस के ऊपर सुबह हम चलते हैं हमारे तो आंखों की रोशनी पड़ती है ऐसा भी कहते हैं है। इसीलिए जो किसान हैं उनकी उम्र भी लंबी होती है और वो मजबूत भी होते हैं और बीमार भी बहुत कम होते हैं तो वैद्य पुराने जमाने में वैद्य थे जहाँ उनका दूसरा नाम हकीम भी था जी, जी, तो जैसे आपने कहा कि उस समय नापने का कोई ऐसा जंतर नहीं था जी तो हमारे गांव में एक हकीम थे उसे धनाराम का उनका नाम था वो नबे देखता था और बता देता कि इसको बीमारी क्या, है।, क्या है और कई बार ये उसने बताया होता कि ये नहीं खाना है और रोगी खा लेता है हाँ। तो उसको नब्ज़ का इतना ज्ञान था कि वो नबे देखता इसने ये चीज़ खा ली है जी जी तो रोगी बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है कहता तुझे तो कहा था मैंने ये चीज नहीं, नहीं खानी, खानी है। है। तूने खाई है इसलिए तुम्हारा बुखार नहीं उतरा है ऐसा उसको ज्ञान था और कोई उसके पास थर्मामीटर ना ये वो नहीं कुछ भी नहीं था उसके पास नहीं, नहीं, इसके लिए पढ़ाई क्या होती है क्या एजुकेशन ली जाती है इसके लिए आयुर्वेदिक जो हमारी आ, ये पद्धति है ये बहुत विशाल है और इसका जो ज्ञान है बड़ा गहन है और जो जड़ी बूटियों के ऊपर धारित है हमारे आसपास बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं किंतु हमें ज्ञान नहीं है और यो वैद्य हैं जो हकीम हैं उन्हें है पता है एक वृक्ष का नाम लेता हूँ मैं तो वो वृक्ष ऐसा है कि उसकी जो शाल है उसकी शाल को सुखा करके जब हम पीते हैं तो हमारा जो हृदय है शाल बोले तो शाल उसके बोलते हैं, जो उसके सिकड़ होते हैं छिलके होते हैं उसके अच्छा जो वृक्ष के जो छिलके हाँ, होते हैं छिलके होते हैं अच्छा, अच्छा अच्छा, तो उससे आदमी को जो हृदय के रोग हैं, वो नहीं होते और जैसे अजवाइन है ये बहुत से कामों में आती है अदरक है हम रोज अपनी सब्जी में डालते हैं जैसे कि किसी का गला खराब है जी। थोड़ा सा जुकाम है जी। तो अदरक डालने से हमारा गला खुलता है हमें भूख नहीं लगती तो हमारी माताएं कहती हैं कि ऐसे करो बेटा थोड़ा सा एक टुकड़ा अदरक लो उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू लगाओ नींबू का रस लगाओ और काला नमक उसे चूसो आपको भूख लगेगी ये छोटे छोटे नुस्खे अच्छा। जो हैं मैं बात कर रहा था कि छोटे बाल बच्चों की जो कल हमारी पीढ़ी के लिए जो हमारा एक चिराग है वंश है हमें खुशी देने वाला जो मेहमान है किलकारियों से जो घर को ए, महकाता है तो उसे मालिश करती थी वो दूब में बैठा करके आस्ते आस्ते कड़बे तेल से सरसों के तेल से या देसी घी से तो बच्चा पुष्ट होता था आज आज जो माताएं जो सर्विस करती हैं उन्हें बच्चों की तबद्यालय नहीं है नहलाया साबुन से जे किया वो किया और बस छुट्टी कर दी उससे तो बच्चों को कभी कभार अगर ज़्यादा दिन नहीं तो हम जो रविवार होता है संडे होता है उस दिन तो बच्चों को मालिश कर सकते हैं जी, जी, जी। और मालिश जो सरसों के तेल से या गरी के तेल से या हम कह सकते हैं देसी घी से अगर हम अपने शरीर को भी मालिश करेंगे तो कई रोग जो हैं वो हमसे हमें नहीं लगेंगे ये सारी चीजें हमारे वैद हकीम जो है ये हमें बताते आए हैं और आजकल बीमारी को ढूंढने के लिए गरीब आदमी के लिए बड़ा ये संभव नहीं है कि वो अपना टेस्ट करवा सके जी 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 हजारों के टेस्ट हैं और इतना खून रोगी में बनता नहीं जितना वो निकाल लेते हैं उसका हाँ। ये इस टेस्ट के लिए उस टेस्ट के लिए पूरा शरीर ही शान मारते हैं वो वो तो आगे ही उसमें रोग रो, जो रोगी है उसमें तो वैसे और और <laughs> होता है वो भी से निकाल लेते हैं और वैद्य जो थे वो नब्ज टटोल करके नब्ज की गति ऐसे उनको होता था कि हमारी नब्ज ऐसे चलती है तो रोग ये होता है वात कफ ये रोगों ये बात कफ जैसे हम कहते हैं कि हमारे शरीर में कुछ तत्व होते हैं जब वो गड़बड़ाते हैं तो आदमी बीमार होता है हाँ। तो हम वैद्य को हकीम को, डॉक्टर को दूसरा ईश्वर मानते हैं, जो आदमी को जन्म देता है लेकिन पह, जैसे कहा जाए कि जैसे हमारे भी बुजुर्ग थे अभी हाँ। भी वो उन्हीं नुख्सों में चलते है हाँ। पहले के खान पान में और अब के खान पान में हाँ। बहुत अंतर है जैसे कि पहले बोलते थे कि अगर हम पहले सूखी रोटी भी खा लेते थे जैसे हम आ, हम भी टेंथ तक अपने गांव में ही पले बड़े हैं तो हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो जैसा भी था वैसे सूखी रोटी छाछ है छाछ के साथ कोई भी ऐसी सब्जी है उसके साथ खा के अपना पेट गुजारा लेकिन आजकल इतनी वेराइटियां आ गई है लेकिन फिर भी मनुष्य मतलब हर तरह का परहेज करता है नहीं ऐसा नहीं खाना ऐसा खाना है ऐसा नहीं करना है ऐसा करना है पहले ना बीमार होने के चक की वजह से आजकल इतना परहेज करने के बाद भी मनुष्य बीमार हो रहा है क्या फर्क नजर आ रहा है क्या है ऐसा क्योंकि हम तो इतना परहेज कर रहे हैं अब तो हमें ठीक रहना चाहिए हमारी जीवनचर्या जो है और वो हमें जो पता ही नहीं है कि सुबह से लेकर के शाम तक वहां अपने जीवन का जो खान पान है वो कैसे करना है हमारे वैद्य हकीम हमारे बुजुर्ग कहते थे कि बेटा रात को सोते समय एक लोटा पानी अपने सराहने रखो रात को अगर प्यास लगती है तो वो आदमी कहाँ जाएगा और हमारे बुजुर्ग जो थे मेरे पिता श्री तम्बाकू पीते थे जी तो उस समय गैस तो थी ही नहीं उनका ऐसा सिस्टम था कि रात को उपला या पाथी उन्हें चूल्हे में दबाने का ऐसा ढंग था कि वो सुबह तक वो आग रहती जलती थी। रहती थी गर्म गर्म रहता था गर्म रहता था हाँ। सो उनको तम्बाकू पीना तम्बाकू के लिए आग चाहिए थी हाँ। सुबह माता श्री ने उठ करके अपना रसोई का काम निपटाना है आग को जलाना है तो उस समय लोग दूसरों को घर में आग आग मांगने के लिए जाते थे कि हमें हमारे आज आग नहीं वो चूल्हे में वो जो आग रखी थी जो कोयले जले रहते थे हाँ, जी जी वो आज नहीं बने हैं तो लोग दूसरे के घर में आग लेने जाते थे वो उपले का छोटा टुकड़ा लेकर के या कड़छी लेकर के आते थे उसके ऊपर लेकर के जाते फिर वो अपनी लकड़ियों को जलाते थे तो हमारा सुबह उठ करके हम ऊषा पान कहते हैं ऊषा पान किससे कहते हैं जो सुबह का रात का बासा पानी होता है सुबह जब हम पीते हैं तो हमारे जो पाचन तंत्र है जी। वो सही होता है हमारा हमें हमें पेट को हल्के 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 मालिश करने से हमें हमें जो मल है वो सही माने में निकलता है पखाना सही आता है और कब्ज नहीं होती जिसे कब्ज नहीं है वो आदमी ठीक है। है, तंदुरुस्त जी। और उस समय दही होता था, माखन होता था तो कई बार आ, हमारी माता श्री क्या करती थी कि अपने घर की लस्सी होती थी दही होता था जी। अचार होते थे जी जी। तो देखा कि रात की रोटी बासी पड़ी है वो उसे माखन लगाते थे माखन लगा करके उसके ऊपर शक्कर लगा देते थे जी। उसे गू बोलते थे गू बना करके बच्चा आराम से वो हाँ, माखन रोल करके उनका खा जी, लेते खा लेते थे जी। तो वो पुष्ट होते थे भागते थे दौड़ते थे खेतों में काम करते थे शाश कहते थे कि जो आदमी रोज शाश पीता है वो दो शेर या तीन शेर माखन खा जाता है वो जो शाश होती थी जिसे लस्सी बोलते हैं जी। तो लस्सी को जब मथा जाता था माखनला किया जाता था उसे पिघला करके गर्म करके घी बनाते आ, घी बनता था और जो छाछ होती थी उसे लोग पीते थे और जिसके घर में अभी दूध नहीं होता था वो दूसरे के घर से दूध लेता था उस समय चाय नहीं होती थी चाय हम हमें कहाँ मिलती थी जब हम शादी पे कहीं जाते थे तो उसमें शादी में क्या मिलता था एक डूना मिलता था तो डूने ढूंढने में थोड़ी बूंदी, एक मठी होती थी नमकीन थोड़े से शक्कर पारे होते थे और इतना स्वाद होता था कि कई बार होता है कि झूठ बोल के हम दूसरा डूना ले लेते थे यार स्वाद बड़ा है तो उस समय लोग लटरे में एक बटलोई होती थी जी। उसमें चाय बना करके लाते और लटरे पे लाते थे वो लंबा सा एक डंडा होता था उसे दो आदमी रस्से से बांध करके लाते लेके जाते थे और जो गिलास मिलते थे मुझे अभी भी कई बार हंसी आती है वो इतना मोटा होता था उससे चाय चाय से ज्यादा वो गिलास गर्म होता था जैसे हम पीते थे और थे थे का का मिट्टी का बनता था ना मिट्टी मिट्टी का नहीं होता था पता नहीं किस मेटल का था वो गिलास तो वो चाय से ज्यादा वो गर्म होता <laughs> मतलब आपको अपना बचपन याद आ गया <laughs> मुझे बचपन मैं कहता हूँ कि देखो आज की शादियाँ क्या हैं पैसे की बर्बादी है और जी हम गिद्ध बोझ बोलते हैं उससे समय एक मर्यादा थी जी। कितने आदमी हमने बुलाने हैं इक्कीस आजो जी जो दुल्हा होता था उसे नहीं गिना जाता था <laughs> उसको छोड़ के इक्कीस आएंगे इक्कीस साजो जी तुम और लोग अपने घरों में उनका इंतजाम करते थे जी। कि कल को हमारे कोई गांव से हमारा समंदी रिश्तेदार जो यहाँ पे एक बराती के रूप में आया है तो उस समय ये साधन आने जाने के मोटर कारें ये वो नहीं था फिर चलना होता कहीं रात पड़ जाए तो इस गांव से निकलते हुए उसे तो ये तो पता हो कि ये हमारे समृदी का घर है तो वो रात वहाँ काट सकता था हाँ। ाम थे नीचे बैठा करके खाना होता था बड़े आराम से लोग उस समय आदर सम्मान भी काफी मिलता था उन को लेकिन आजकल के आजकल के जमाने में अभी आ, देखा जाए सिर्फ जा, कितने भी दूर चले जाए इतने हाँ। साधन उपलब्ध हो हाँ। चुके हैं हाँ। जाना हाँ। खाना हाँ। और थोड़ा सा एंजॉय करना और वापस आना आज ये पता ही नहीं है कि बराती कौन है घराती कौन है जब तक बरहात आती है जी वो तब तक जो जो दूसरे हम वो खा करके निकल, निकल जाते, जाते हैं है। जब जा बराती आते तब तक हम मामला ही वहाँ खत्म हो चुका ये आपने सही बोला उस समय सिंपली थी उस समय पूरा गांव एक बेटी की शादी आती है तो मैं अपनी पुस्तक जो मैं चकंदर लिख रहा हूं इन दिनों अपने इलाके का इतिहास उसमें लिख रहा हूं जी। उस समय के जो हमारा कल्चर है गाने बजाने का है जो हमारी भाभी माताएं गाती थी भजन गाती थी वो सब उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ मैं देखो हमारा कल्चर क्या था हम क्या हो गए हैं तो बहुत सिटी साधारण सी सा काम था कि लोग लड़की के जो शादी आ रही है तो पूरा गांव दूध देता था कि इसको इसका 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 खोआ बनाइए बर्फी बनाइए पूरे गांव के बरातियों के लिए बिस्तर चार पाइए इकट्ठी की जाती थी तो अरजाइए तलाइए जे वो उनके निशान लगाए जाते हैं उसके घर से लाए पढ़े लिखे तो थे ही नहीं को अपनी निशानी लगाते जो उसका है उसका है उसका जी, जी, उसका जी, जी। तो लोगों में एक भाईचारा था ब्रातृत्व था नहीं। 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 और लड़की की शादी में कोई खाना नहीं खाता था जी। कि जब बरात आती थी तो उसे सहयोग पूरा देते थे चाहे वो ईंधन के रूप में चाहे वो राशन के रूप में तो कहते थे कि जी हमारी ये हमारी बच्ची है हम इसका खाना नहीं खाएंगे भाई ये और ये एक मान सम्मान था और जैसे वो लड़की के गांव से कोई बुजुर्ग को गुजरता था जहाँ उसकी शादी की होती तो उसे बुला करके कोई ना कोई पैसा देते थे कि बेटा मैं निकल रहा था सोचा अपनी बच्ची को मैं दे एक गांव की एक घर का जवाई वो सारे गांव का जवाई होता था जी जी इतना मान, समान मान मिलता सम्मान था। मिलता था मान मिल ये था हमारा कल्चर ये थी हमारी सभ्यता ये थी हमारी संस्कृति इतना आदर सम्मान समझियों को दिया जाए कहते हैं कि जो समझी हैं जो रिश्ते हैं ये एक गुलाब के फूल की सुगंधी है जी 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 और लड़की आती थी बड़ा मान सम्मान करना आदर मान करना अपने सास का ससुर का वो सहयोग इतना अच्छा होता था कि जैसे एक लड़की को देखा कि जी उसके गांव की या उस परिवार की इतनी अच्छी है तो उसे कहते जी उसकी दूसरी बहन का जी वो रिश्ता हमारे घर में कर दो या वो हमारा संबंधी है लड़का आप देख लीजिए पसंद कर लो तो ये समय का सिस्टम था एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलना जबरदस्त आज का ये गिद बोझ है कितने हैं पचास आइटमें हैं रिजॉर्ट में लोग कर रहे हैं होटलों में कर रहे हैं क्या पक रहा है किसी को मालूम नहीं है मेरे एक मित्र डॉक्टर हैं डॉक्टर रघुवीर जी तो जब हम बैठते हैं तो गपशप शुरू हो जाती है जी। तो कहने लगे कि यार मैं आपको एक बात बताता हूँ आप शादी में जाते हो तो दो चीजें हैं वो नहीं खानी मैंने डॉक्टर साहब क्या कहते एक तो जो कटा हुआ फ्रूट है वो नहीं खाना एक सलाद नहीं खाना भैया इसका क्या अर्थ है कहता अर्थ ये है कि ये जो यहाँ रसोइये लगे हैं वो जो जो सलाद बनाया गया या जो फ्रूट लाया गया वो गंदे पानी से धोया होता है और कब का कटा है वो भी पता नहीं कैसे हाथों से कटा गया है वो भी पता नहीं लेकिन एक सलाद और फ्रूट के ऊपर क्यों डिपेंड है ना फिर तो सारा भोजन ही उसके ऊपर देखा जाएगा ना कि वो कैसा बना है किस पानी से बना हाँ, है नहीं मतलब उन्होंने एक बात कही कि सलाद किस समय काटा गया कैसे पानी से धो करके काटा गया कैसे हाथों से काटा गया जी। कहता ये बीमार करने वाली बात है एक तो ये नहीं खाना दूसरी बात कहता जो कटा हुआ फ्रूट है वो नहीं खाना उसने एक उदाहरण दी कि मैं अपने चाचा जी के लड़की की शादी में गया तो वहा मैं देखता हूँ कि जो पीछे जो धोने वाले थे फ्रूट को तो बहुत गंदे पानी में धो रहे थे तो चाचा कहने लगे यार ये जो प्लेट आ रही है इसमें आप फ्रूट तो खाओ कहता चाचा मैं नहीं खाऊंगा आओ तो ये बताता तो, हूँ जाके देखा गंदे पानी में धो रहे थे मैंने उनसे एक सेब लिया उसे अच्छी तरह धोया कहता वो मैं खाया कहता जो खाना है वो पकी हुई चीज़ खानी है कहता कितने लोगों को वो ऐसे देंगे बोल कि किसी को ऐसा वो और पूरे पूरे गजा सेब जंगूर ऐसे आपको नहीं देंगे है, 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 है। कहता पकी हुई चीज आप कोई भी खाइए जो पकी है जो बनाई है दाल है सब्जी है पनीर है चावल है।, है, 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 है कहता पकी हुई चीज आप खा सकते हैं किंतु जो कच्ची चीज नहीं खानी है वो गंदे पानी में धोते हैं और गंदे हाथों से कर, वो से काटते हैं इसलिए वो नहीं खानी है, है, है। मुझे एक अच्छा एक तरीका मिला कि ये भी अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने का एक लेकिन वो भोजन की भी तो गारंटी नहीं है ना कि वो कैसा बनाए यदि भी बात है देखिए पचास चीजें लगी है तो पेड़ तो एक ही है ना हमने कितना खाना है उम्र क्या है और उसकी मकदार क्या है जो अपनी उम्र मकदार और समय को देख करके खाता है वे बीमार नहीं होता चाहे वो बरात में जाए चाहे वो घर में बैठा हुआ है वो तो खाना तो अपनी सेहत के लिए है स्वास्थ्य के लिए है। और स्वास्थ्य जो सेहतमंद पुरुष को सब पसंद करते हैं घर वाले भी पसंद करते हैं जी, जी, बाग बाग करके वो काम करता है बच्चों को संभालता है खेतों का काम करता है बहू कहती है कि हमें सब्जी ला दो बाजार से ये चीज़ ला दो वो भागेगा जब वो बिस्तर पे बैठ जाएगा उसे कोई पसंद नहीं करता चलती 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 का नाम ही गाड़ी है जब खड़ी हो जाती है तो शक्डा हो जाता है उसे कोई पसंद नहीं कोई करता मशीनरी हो या इंसान हो जवान हो चाहे बूढ़ा हो सब तंदुरुस्त को पसंद करते हैं और एक बात और कि वैद्य हकीम या डॉक्टर ये कहते हैं कि बीमार आदमी के पास ज्यादा ना बैठो तंदुरुस्त के पास और तो सब बैठने पसंद करते हैं लेकिन कहने की बात यह भी है कि जब जो बीमार इंसान होता है हाँ। भले ही हाँ। अलग है हाँ। लेकिन उसको ठीक रखने के लिए अगर जितना ज़्यादा समय हम उससे थोड़ी सी बातचीत करें तो उसका जो दिमाग है वो डाइवर्ट हो जाता है तो उससे उसे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है लेकिन आप तो यहाँ कह रहे हैं कि उसके पास ज़्यादा बैठना ही नहीं है जी उनकी एक हदायत है कि आपके इसके स्थान से जो इसकी हवा बाहर आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड रूप वो आपको लग सकती है कहने का अभिप्राय ये है एक बात और है जी जो विदेशी हैं वो किसी रोगी को देखने जाते हैं और जो हमारे जो हमारे देसी आदमी हैं जब ये मिलने जाते हैं उनमें ये फर्क है कि वो जाएंगे गुलदस्ता लेकर के जाएंगे और वो गुलदस्ता उसे भेंट करेंगे और देखेंगे और वापस आ जाएंगे हम हमारे जो देसी आदमी जी क्या करते हैं समझ गए ये रोग कहाँ से शुरू हुआ पूरा इतिहास जानेंगे और जो थोड़ी बहुत से राहत मिली होती है वो फिर वहीं का वही आ जाता है अगर दस आदमी पता लेने वाले आए हैं तो दस बार वो बोलेगा अपनी पूरी हिस्ट्री सुनाएगा आधा तो भी मारो वहीं आधा भी मारो वहीं हो जाएगा ना आपका कहने का <laughs> मतलब ये है कि जितना ज्यादा जो व्यक्ति बीमार है हम उसको ज्यादा से ज्यादा रेस्ट दे उसे रेस्ट चाहिए उसे मिलो और कहो कोई बात नहीं भैया आप बात ना करना आप मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मैं करूँगा कल मैं संध्या जाए शाम जब मैं आज जा करके अब भी कर रहा हूँ कि आप स्वस्थित हो जाए आपका स्वस्थित होना हमारे लिए बहुत आपका हमारे मित्र हैं हमें आपको पहले ही तरह एक फूल की तरह खिला हुआ हम देखना चाहते हैं तो हमारी दुआ है कि ईश्वर आपको जल्दी से जल्दी दो तीन लाइनों में बात खत्म करके और दो तीन मिनट को आप वापस आइए वो तो वहीं बैठ जाते हैं पूरी हाँ, हिस्ट्री मतलब उसकी सुनने के साथ साथ अपने भी सुना देते मैं ऐसे बीमार हुआ कई आदमी ऐसे देखे निराशावादी होते हैं जी रोग तो यही था कि वो बचा नहीं <laughs> तो जो जो बीमार करता है वो बचने वाला तो मैं भी नहीं हूँ वो नहीं। वो तो आगे मानसिक रूप से कमजोर होता जी, 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 है तो उसको साहस करने के लिए आदमी को उन शब्दों का प्रयोग करे जो उसके मानसिक रूप से उसे स्वस्थ करे ताकत, ताकत दे ताकत दे, ताकत दे।, दे। आगे बढ़ने की आगे दे सकारात्मक विचार देके आए नकारात्मक देके नहीं आए तू तो बचने वो नहीं बचे चार पांच बचने लोग जाते हैं वहां पे आपकी <laughs> ये बैद हकीम डॉक्टर अलग ही है आगे क्या मिलता है इस कविता में आपने आज हमारा मन इस कविता से ले मतलब अलग ही कर दिया हर्षित मुक्ता कर दिया <laughs> <laughs> यशपाल शर्मा जी आपने इस आपकी ये कविता भी अधूरी है अगली कड़ी में हम इसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके इस वैध हकीम डॉक्टर को और जानने की <laughs> कोशिश करेंगे आप हमारे इस कार्यक्रम में आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद <laughs> <laughs> मित्रों वैद हकीम डॉक्टर अच्छे भी हैं और हमारा स्वास्थ्य ठीक भी रखते हैं अगली कड़ी में इस वैद्य हकीम डॉक्टर को फिर से दोबारा आपके समक्ष लेकर आएंगे तब तक के लिए दीजिए इजाजत नमस्कार ओम शांति शांति धन्यवाद